नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी घमासान तेज हो गया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को रद्द कर दिया है। ऐसे में आज यानी शुक्रवार को इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इन सबके बीच भारत ने इस पूरे मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के सियासी संकट पर इमरान खान के इस्तीफे के मामले को किसी भी तरह से अपनी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस मामले में कहा, इमरान खान का इस्तीफा अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। हम इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल बागची से इस्लामाबाद में चल रहे सियासी घमासान को लेकर सवाल किया गया। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने इसे आर्टिकल 5 के तहत खारिज कर दिया। इसके बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में केयर टेकर सरकार बनाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने इमरान खान को झटका देते हुए उन्हें पीएम पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने के लिए कहा है। नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन की रिपोर्ट।